गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज जो वीडियो है ये थोड़ा अलग है, और क्योंकि इस वीडियो में पहली बार मैं मेरी बाइक दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने मेरी बाइक के बारे में सिर्फ आपको बताया था, मेरी बाइक को दिखाया नहीं था। तो आज हम जा रहे हैं बाइक से पंचगनी जा रहे हैं, जो कि मेरे घर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। तो आज हम सुबह 5 में समथिंग घर से निकल आए थे, और अभी हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं बाइक राइडिंग करके। तो ये है प्रणव, गजब बेइज्जती है। ये खड़ी है मेरी सिमसिम, और ये हेलमेट, ये हेलमेट मैंने कल ही लिया, लेकिन बहुत टाइट है, मेरा पूरा फेस एकदम रेड रेड हो गया। ये ग्लव्स बाकी के साथ में। लगभग 100 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम आ गए लोकेशन पे, और आप पीछे से व्यू देखेंगे ना तो चारों तरफ आपको बादल ही बादल दिखाई पड़ेंगे, और यहाँ पे हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। हालांकि पुणे में बारिश नहीं है, अभी हम पुणे से लगभग 125 किलोमीटर दूर है, और इस वजह से यहाँ पे मौसम थोड़ा सा अलग है अगर पुणे से कंपेयर करें तो। आप पीछे देख पा रहे हो भाई, पूरा 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 बादल ही बादल है चारों तरफ से, बहुत मज़ेदार व्यू है। तो चलो अभी निकलते हैं हम आगे, क्योंकि ये लोकेशन जो थी जहाँ पे हम आ रहे थे ये वो लोकेशन नहीं है, हमें थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। और अभी यहाँ से ना, यहाँ से बारिश शुरू हुई है, रास्ते में कोई बारिश नहीं थी लेकिन अभी यहाँ से बारिश शुरू हो गई है। और भाई मौसम इतना अच्छा है कि मुझसे अगर कोई कहे ज़िंदगी भर यहाँ पर रहने के लिए, मैं बिल्कुल मना ना करूँ यार, एकदम सुकून यार। सच बोले तो यार, पहाड़ों की जो लाइफ है ना बहुत अलग है। अभी हम लोग लगभग 2 किलोमीटर ऊपर होंगे, इतनी हाइट है यहाँ पे। अगर थोड़ा सा भी चूके अगर ओवर स्पीड चलाएंगे तो भाई चांस है नीचे जाने के, लेकिन अगर आप साइड में देख रहे हो तो भाई है बाउंड्री, थोड़ा सा सेफ्टी के लिए वो भी है, बट उतना ही सेफ्टी है अगर आप नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं तो। अगर आप ओवर स्पीड में है, ओवरटेक कर रहे हैं तो एक रिस्क होता है नीचे गिरने का। और नीचे अगर आसपास अभी देखोगे दिख ही नहीं रहा, पहले आप देखो कितना सामने कोहरा ही कोहरा हो रखा है। ये कोहरा नहीं एक्चुअली, ये बादल है। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे रुकेंगे और थोड़ा फोटो वोटो भी क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा लग रहा है यार। महाराष्ट्र के हिल स्टेशन घूमने घुमा दूंगा भाई साहब, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पीछे व्यू देख लीजिए, ये अभी शुरुआत है। अगर आपको महाराष्ट्र के और भी हिल स्टेशन में घूमना है और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ये मेरा पहला ट्रेक है, क्योंकि इस मौसम में मैं पहली बार यहाँ पे बाहर आया हूँ। और आप आसपास व्यू देखिए भाई साहब, क्या जन्नत है यार, मतलब जन्नत जन्नत भी मतलब बोलता है, जन्नत अगर होगी भी तो कुछ ऐसी होगी। आसपास का मौसम देखिए, ये नीचे आप देखेंगे तो ये सिर्फ बादल है, मैं बादलों के ऊपर, आज वो गाना है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, कुछ वैसे वाली कंडीशन हो गई है कि मैं ऊपर आ गया हूँ, जो बादल है वो थोड़े नीचे चले गए। बाकी सब अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फोटो वोटो ले लेते हैं। भेजियो संदेशा, अब नहीं आना, थोड़ी दूर रह के हमें तरसाना, अभी तो मैं चाहूं। तो अभी हम आ गए हैं पंचगनी में, और यहाँ पे अभी हम रुके हैं थोड़ा खाने के लिए, क्योंकि सुबह हम 5 बजे निकले थे, तभी मैगी के लिए ऑर्डर दिया है, और उसके बाद मैगी इन्जॉय करेंगे। और आप आसपास का व्यू देखो भाई, जन्नत है। सच बताया तो महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको इस तरह का पूरा मानसून के टाइम पे देखने को मिल जाएगा, उसमें से ये भी एक पंचगनी करके, क्योंकि मैं पंचगनी फर्स्ट टाइम आया हूँ तो ये मेरा बहुत अलग एक्सपीरियंस है पंचगनी आने का, और बाइक से आया हूँ तो ये और स्पेशल है। इंतजार करने दे, अभी नहीं आना सजना। तो अभी प्लान में थोड़ा चेंजेस हुआ है, यहाँ से महाबलेश्वर समथिंग 20 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि इतना दूर आ गए हैं पुणे से तो फिर महाबलेश्वर भी हो लेते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं महाबलेश्वर बाबा के दर्शन करने के लिए,
तो भाई साहब आपको भी दर्शन कराते हैं, बने रहिए वीडियो में और आगे दिखाते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बारिश चालू है, आसपास फॉग फॉग है और ये लोग भी रेडी हो चुके हैं। मैं भी हेलमेट पहनता हूँ, निकलते हैं फिर महाबलेश्वर के लिए। कैश आहे का कोणाकडे? किती द्यायचं? 200? तो फाइनली अभी हम आ गए महाबलेश्वर और मैंने गाड़ी पार्क कर दिया और इसके बाद जाएंगे, देखो ट्राई करते हैं अंदर, अगर कैमरा अलाउ होगा तो फिर अंदर दर्शन हो पाएंगे, नहीं तो फिर हम आपको बाहर से दिखाएंगे। दर्शन के लिए अभी काफ़ी लंबी लाइन है तो इसलिए मैं लाइन में नहीं लग रहा, क्योंकि अभी यहाँ से मुझे पुणे ही वापस जाना है और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, इसलिए हमने सोचा कि बाहर से दर्शन कर लेते हैं और आपको करा देते हैं, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी है। अभी यहाँ से लाइन शुरू हो जाती है, अगर लाइन में खड़े हुए तो लगभग आधा घंटा जाएगा मुझे, और इसलिए बाहर से बाबा के दर्शन कर ले रहे हैं। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।